नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बानगरमऊ तहसीलदार रश्मि सिंह की चुंगल से नहीं बच पाए खनन माफिया। काफी दिन से तलाश में थी अवैध खनन करने वालों के चक्कर में तहसीलदार बानगरमऊ रश्मि सिंह। तहसीलदार ने आज रंगे हाथ पकड़ ही डाला अवैध खनन करते जेसीबी सहित डंफो को। राजस्व विभाग एवं थाना पुलिस ने गंगा पुल के पास अवैध खनन कर रही एक जेसीबी व 3 डंफो को पकड़ लिया। मौके से एक जेसीबी भाग निकली। लेखपाल ने पकड़े गए वाहन थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। तहसीलदार रश्मि सिंह व लेखपाल विवेक सिंह कन्नौजिया कटरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी खनन की सूचना मिलने पर गंगा नदी पुल के पास खनन कर रही 2 जेसीबी व 3 डंफो नजर आए। राजस्व विभाग को देखकर एक जेसीबी मौके से भाग गई। वहीं एक जेसीबी व 2 में मिट्टी सहित 3 डंफो लेखपाल ने पकड़कर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेखपाल ने बताया कि मौके से भागने वाली जेसीबी ग्राम भूलभुलिया खेड़ा निवासी बबलू की बताई जा रही है। रिपोर्ट अवधेश कुमार, उन्नाव, यूपी। कल फतेहपुर 84 में भारी मात्रा में खनन जेसीबी और डंफर की मदद से किया जा रहा था, तो उस पर क्या आपने कार्रवाई की है, क्या मामला है पूरा? कल शाम को सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास की, वहाँ पर कुछ अवैध खनन हो रहा है। तो मैंने लेखपाल को और इंस्पेक्टर 84 को भेजा था, तो वहाँ पर मिला कि जेसीबी से खुदाई करके 3 डंफर और थे, तो 1 जेसीबी और 3 डंफर पकड़े गए और उनके खिलाफ खनन रिपोर्ट भेज दी गई है जा रही है।